Tom is chasing Jerry. In the same interval of time, Tom jumps 8 times while Jerry jumps 6 times. But the distance covered by Tom in 7 jumps is equal to the distance covered by Jerry in 5 jumps. The ratio of speed of Tom and Jerry is. Tom Jerry ka peecha kar raha tha. Usi same time of interval mein टॉम ने 8 जंप लगाई जबकि जेरी ने 6 जंप लगाई, लेकिन जो टॉम द्वारा 7 जंप में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो जेरी द्वारा 5 जंप में डिस्टेंस कवर की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी स्पीड का रेशियो हमें बताना है। चलिए देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि 7 जंप द्वारा जो टॉम द्वारा तय की गई दूरी है वो 5 जंप जेरी के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। यहाँ हमने लिखा 7 जंप बराबर 5 जंप। हमने मान लिया कि टोटल दूरी 35 मीटर उन्होंने तय की, तो 7 जंप में अगर 35 मीटर जाएगा तो एक जंप में कितने मीटर जाएगा टॉम? 5 मीटर। जेरी अगर 5 जंपों में 35 मीटर जा रहा है तो एक जंप में कितने मीटर जा रहा है? 7 मीटर। तो उसने कहा है कि सेम टाइम इंटरवल में 8 जंप लगाता है, तो 8 जंप में टॉम द्वारा कितनी दूरी तय कर ली जाएगी? 40 मीटर। और जेरी द्वारा 6 जंप में कितनी दूरी तय कर ली जाएगी? 42 मीटर। तो दोनों का हम लोगों को रेशियो ले लेना है, 40:42। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 20:21 इसका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस का रेशियो आया। हम जानते हैं कि अगर टाइम सेम होता है तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बराबर होता है रेशियो ऑफ स्पीड के, अतः उनके जो स्पीड का रेशियो है वो भी 20:21 ही होगा। अब इसको हमें अगर जल्दी करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले देखना होता है सवाल में कि टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में कितनी जंप लगाई गई हैं, तो वो हमें ऊपर लिखना है। तो कितनी लगाई गई हैं? 8। टॉम ने 8 लगाई हुई हैं और जेरी ने 6 जंप लगाई हुई हैं। तो हमने टॉम के नीचे 8 लिखा और जेरी के नीचे 6 को लिखा। फिर हमें देखना है कि जो टॉम और जेरी द्वारा जितनी जंपों में जो बराबर दूरी तय की गई हैं उसको हमें नीचे लिखना है। तो टॉम द्वारा 7 जंप में जो दूरी तय की गई है वो बराबर है जेरी द्वारा 5 जंप द्वारा तय की गई दूरी के, तो इसको हमें बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 5 40 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। तो इसको हम अगर अनुपात में लेंगे तो 20:21 इसका सही आंसर आएगा।